हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग का सेकेंड पार्ट। इसे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था, मीन्स ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग के पार्ट वन में हमने सेना और बिटर आलमंड के बारे में डिटेल में बताया था, मीन्स उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके यूजेस के बारे में हमने डिटेल में बताया था। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो का, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या आप हमारे यहाँ पे सजेस्टेड लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट, मीन्स ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग का पार्ट टू, जिसमें हम एलोए के बारे में बताएंगे, एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका कहां कहां पे उसका यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एलोए होता क्या है। एलोए जो कि जिसको बोला सब्बर भी बोला जाता है और इसको घृत कुमारी भी बोला जाता है इसके प्लांट को। तो एलोए होता क्या है? एलोए जो कि क्रूड ड्रग है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर आता है, क्योंकि एलोए इज अ ड्राई जूस ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट एलोए बारबाडेंसिस, एलोए पीरी, एलोए स्पिकाटा एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एलोए। मीन्स एलोए होता क्या है? एलोए जो है वो डिफरेंट जो एलोए के स्पीसीज होते हैं उसका ड्राई जूस क्या किया जाता है, एलोए के जो लीफ होते हैं उसके जूस को कलेक्ट किया जाता है और जूस को कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है और यही ड्राई जूस क्या कहलाता है, यही ड्राई जूस कहलाता है एलोए। तो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं एलोए के, जैसे कि एलोए बारबाडेंसिस जिसको क्या कहा जाता है, जिसको क्यूराका एलॉय बोला जाता है, एलोए पीरी जिसको सोकोट्रिंग एलॉय या जंजीबर एलॉय भी कहा जाता है, थर्ड है एलोए स्पिकाटा जिसको हम कैप एलॉय भी बोलते हैं, जो बिलोंग टू द फैमिली लिलिएसी, मीन्स ये जो प्लांट होता है एलोए का ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम है लिलिएसी। और जो इंडियन एलॉय होते हैं, इंडियन एलॉय को हम का इसकी जो सोर्स होता है वो होता है एलोए वेरा। तो एलोवेरा इज द इंडियन वेराइटी और जो आपका बाकी जो बताए हैं डिफरेंट जो स्पीसीज हैं एलोए बारबाडेंसिस, एलोए पीरी, एलोए स्पिकाटा, ये अदर सोर्स होते हैं एलोए के। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलोए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये जो एलोए होता है इसमें क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से ये मेडिसिनली यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस। तो इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है। मीन्स इसके अंदर जो मेन केमिकल होता है जिसकी वजह से इसका थेरेप्यूटिक अफेक्ट होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, इज ड्यू टू द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। मीन्स इसमें जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है उसमें एंथ्राक्विनोन ए ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट होता है, ए ग्लाइकोन पार्ट इज एंथ्राक्विनोन, इसी कारण से उसके अंदर जो मेन केमिकल वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है। तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कौन सा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एलोइन, एलोइन जो कि प्रेजेंट होता है 10 to 30% एलोइन प्रेजेंट होता है। और ये एलोइन क्या होता है, ये एलोइन मिक्सचर होता है बारबालोइन, यहाँ में हमने लिखा है बारबालोइन या आइसोबारबालोइन एंड बीटा बारबालोइन का मिक्सचर होता है। तो इसमें जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, वो येल्लो कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जिसका नाम है बारबालोइन। और यही बारबालोइन जो है सभी स्पीसीज में जो है एलोए के ये प्रेजेंट होता है एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। और दूसरा जो है रेजिन एलोएमिडिन भी प्रेजेंट होता है इसमें और आइसोबारबालोइन प्रेजेंट होता है, आइसोबारबालोइन प्रेजेंट होता है ट्रेस अमाउंट में, क्यूराका एलॉय और कैप एलॉय में प्रेजेंट होता है, बीटा बारबालोइन प्रेजेंट होता है, कैप एलॉय में प्रेजेंट होता है बीटा बारबालोइन। तो ये जो बारबालोइन होता है, ये बारबालोइन ऑल स्पीसीज में ये प्रेजेंट होता है एज अ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और ये बारबालोइन, बीटा बारबालोइन, आइसोबारबालोइन ये कौन से ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं, ये जो है सी ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। हमने ग्लाइकोसाइड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें वीडियो में हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एम ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड्स। तो ये जो बारबालोइन होते हैं वो सी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है, जो एलोइन है जो कि एलोए में प्रेजेंट होता है वो सी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है। सी ग्लाइकोसाइड्स क्यों कहा गया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बारबालोइन है
ये बारबालोइन का स्ट्रक्चर है और ये बारबालोइन में आप ये देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये एंथ्राक्विनोन का है, एंथ्राक्विनोन जो कि क्या है ए ग्लाइकोन पार्ट। तो ग्लाइकोसाइड्स में ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट मींस ए ग्लाइकोन मींस नॉन शुगर पार्ट और ग्लाइकोन्स मीन शुगर पार्ट। तो ग्लाइकोसाइड जो है ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन का मिलके बनता है। तो यहाँ पे ये जो एंथ्राक्विनोन है ये ए ग्लाइकोन पार्ट हुआ और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोन मीन शुगर पार्ट हुआ। तो सी ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सी ग्लाइकोसाइड्स जो उसमें ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन मींस नॉन शुगर और शुगर पार्ट जब लिंक्ड होते हैं जिसमें जो बॉन्डिंग होती है इस थ्रू द कार्बन मींस डायरेक्टली ये कार्बन के थ्रू अटैच होता है, इसी कारण से क्या होते हैं ये सी ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं डायरेक्टली जो ये शुगर है ये शुगर डायरेक्टली जो है एंथ्राक्विनोन से अटैच है थ्रू द कार्बन एटम, इसी कारण से इसको हम सी ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। तो बारबालोइन क्या है, बारबालोइन जो है सी ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो ओग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ओग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस होने पे एलोइमोडीन और जो शुगर पार्ट रिलीज होता है अराबिनोस, इसमें रेजिन भी प्रेजेंट होता है जैसे कि एलोएसिन, एलोएसिन रेजिन प्रेजेंट होता है एलोए के अंदर। और अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो है फेरुलिक एसिड के एस्टर या पैरा काउमेलिक एसिड का एस्टर या सिनामिक एसिड का एस्टर प्रेजेंट होता है इस एलोए में। और ये जो एलोए होता है इस एलोए के अंदर जो एलोएमोडीन और बारबालोइन होता है उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया। और दोनों क्या है, दोनों एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स होते हैं और इसी की वजह से बारबालोइन एलोएमोडीन की वजह से यूज किया जाता है डिफरेंट मेडिसिनल पर्पज के लिए। ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलोए, जिसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है बारबालोइन विच इज प्रेजेंट इन द एलोए एंड एलोइन इज द मिक्सचर ऑफ बारबालोइन बीटा बारबालोइन एंड आइसो बारबालोइन। तो बारबालोइन जो कि क्या है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है, उसी कैटेगरी है। तो ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलोए। तो ये जो एलोए होता है, ये एलोए का ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है, तो ये जो एलोए होता है वो इंडिजिनस टू अफ्रीका है। इंडिजिनस टू अफ्रीका मतलब कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका अफ्रीका में हुआ है, वेस्ट इंडीज में भी ये पाया जाता है और अदर जगह में भी इसका कल्टीवेशन होता है जैसे कि ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया और यूरोप हो गया, इसमें यहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है, केन्या हो गया, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इसका कल्टीवेशन किया जाता है और इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इसका कल्टीवेशन किया जाता है बट मेनली इसका नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो ये हो गया एलोए का ज्योग्राफिकल सोर्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केमिकल टेस्ट, केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एलोए। तो ये जो एलोए होता है ये एलोए का बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट करके, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट करके हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि एलोए के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो बारबालोइन होता है और ये बारबालोइन एलोएमोडीन ये क्या होते हैं, ये सी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं। तो सी ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट किया जाता है, मीन्स एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट करते हैं बट ये जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट होता है वो सी ग्लाइकोसाइड होता है। तो सी ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट यूज किया जाता है बट मॉडिफाइड फॉर्म, मींस मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट से हम सी टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, सी टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर में क्या करते हैं, मॉडिफाइड में हम एडिशनल FeCl3 ऐड किया जाता है, नॉर्मल बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट में FeCl3 ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ डायल्यूट H2SO4 HCl ऐड किया जाता है और उसको बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट में क्या किया जाता है, FeCl3 भी ऐड किया जाता है, मींस ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस की जाती है, क्योंकि जो सी ग्लाइकोसाइड्स में जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट का जो ब्रेक करने के लिए जो क्या किया जाता है उसको ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस की जाती है, इसीलिए कारण से FeCl3 ऐड किया जाता है। तो क्या करते हैं, एलोए लिया जाता है, एलोए को फिर उसके बाद डायल्यूट HCl या H2SO4 ऐड करने के बाद उसमें 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करने के बाद बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद हम कूल करते हैं, कूल करने के बाद फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट में हम ऐड करते हैं बेंजीन या क्लोरोफॉर्म, उसका शेक करते हैं, शेक करने के बाद जो है ये बेंजीन लेयर या क्लोरोफॉर्म लेयर को अलग कर लिया जाता है दूसरे टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद उस बेंजीन लेयर में या क्लोरोफॉर्म जो लेयर है उसमें फिर अमोनिया ऐड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग अमोनिया ऐड करने के बाद जो लोअर अमोनिया वाला जो लेयर है मीन्स अमोनिकल लेयर जो है अगर पिंक या रेड कलर शुरू होता है, इसका मतलब उस एलोए के अंदर या उस
टेस्ट सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर सी टाइप ऑफ एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो ये हो गया मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट फॉर द एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड फॉर सी ग्लाइकोसाइड। स्पेशली ये जो है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट हम सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट में क्या किया जाता है, जो एलोए का सोल्यूशन लेते हैं और उसके बाद उसमें ब्रोमीन सोल्यूशन ऐड किया जाता है। तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट अगर बनता है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट किस लिए बन रहा है, क्योंकि जो उसमें एलोइन प्रेजेंट होता है, एलोइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेट्रा ब्रोमो एलोइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेट्रा ब्रोमो एलोइन में कन्वर्ट होने की वजह से येलो प्रिसिपिटेट अकर होता है, और येलो प्रिसिपिटेट अकर होता है इसका मतलब हमारे जो है सैंपल है वो क्या है, एलोए है, और इस तरीके से हम एलोए को ब्रोमीन टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड टेस्ट, जिसको हम बोरेक्स टेस्ट भी बोलते हैं, या इसको स्कोटेंटेंस टेस्ट भी बोला जाता है। स्कोटेंटेंस टेस्ट या बोरेक्स टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, एलोए लेते हैं, एलोए लेने के बाद उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्या ऐड किया जाता है, बोरेक्स ऐड किया जाता है। उसको हीट किया जाता है, एलोए का जो सोल्यूशन है उसमें बोरेक्स ऐड करने के बाद उसको हीट करते हैं, और उसको क्या किया जाता है, इसको फिर इस सोल्यूशन को पोर करते हैं एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। तो एक दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसको हमने जो है वाटर लिया हुआ है, उसमें इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो उस टेस्ट ट्यूब में अगर ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस आकर होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलोए को, और ये क्योंकि ये ग्रीन फ्लोरोसेंस क्यों आ रहा है, ड्यू टू द एलोए इमोडिंग, एलोए इमोडिंग प्रेजेंट होने की वजह से ग्रीन फ्लोरोसेंस आता है आफ्टर द एडिशन ऑफ एलोए सॉल्यूशन प्लस बोरेक्स इनटू द वाटर, इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। उसके बाद आते हैं, ये हो गया केमिकल टेस्ट ऑफ एलोए, केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एलोए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस, यूजेस ऑफ एलोए। तो एलोए को कहाँ यूज किया जाता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो एलोए होता है, एलोए के अंदर एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, एलोइन, एलोइन इज द, इसमें जो मेन केमिकल होता है वो है बार्बालोइन। तो बार्बालोइन की प्रेजेंट होने की वजह से, एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, बार्बालोइन जो कि एलोइन क्या है, वो एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड है। तो इसी एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड होने की वजह से इसको यूज किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव, स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव यूज करते हैं, या कह सकते हैं इरिटेंट पर्गेटिव। इरिटेंट पर्गेटिव क्या होते हैं, इरिटेंट पर्गेटिव, या हम कह सकते हैं स्टिमुलेंट पर्गेटिव, जो क्या करते हैं, ये इरिटेंट इस जो स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव स्टिमुलेट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन को, जिससे क्या होता है, जिससे जो स्टूल है वो हमारे बॉडी से जो है फास्ट जो है रिमूव हो जाता है, और इसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए उसको हम यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम हिंदी में कफ्स बोलते हैं, तो कफ्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, एलोई को या एलोइन को यूज किया जाता है, एलोए या एलोए में जो प्रेजेंट एलोइन है, इस एलोइन को आइसोलेट करके इस एलोइन को यूज किया जाता है, ये एलोए को यूज किया जाता है एज अ पर्गेटिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ये हो गया uses of alloy, alloy is used as a irritant purgative, purgative की तरह इसको use किया जाता है, और इसका जो gripping action होता है, gripping action होने की वजह से इसको use किया जाता है along with the carminatives को, इसके along with the carminatives के means carminatives के साथ इसको use करते हैं to counteract the gripping effect of this alloy। और ये जो alloy होता है, ये alloy जो plant होता है, इस alloy plant के जो leaves होते हैं, इस leaves से जो हम alloy gel obtain करते हैं, alloy gel क्या होता है, ये एलोए जेल प्रेजेंट होता है लीव के इनर पैरेन्काइमेटस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ये विस्कस क्लियर लिक्विड होता है ये एलोए जेल, और ये एलोए जेल जो विस्कस क्लियर लिक्विड होता है, इसको डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में इसको यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में, क्रीम में, लोशंस में, शैम्पू में, सोप में, ये इस एलोए जेल को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एलोए जेल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब कि ये जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जनरली ये एलोए जेल को हम क्या यूज करते हैं, एलोए जेल को हम एक्सटर्नली यूज करते हैं डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स में, जैसे कि सनबर्न हो गया, सनबर्न के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है, या ईचिंग हो गया, या एक्जेमा, सोरियसिस के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है। ये जो है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, या इस जो एलोए जेल की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि इस एलोए जेल के अंदर कार्बोक्सी पेप्टाइडस प्रेजेंट होता है, और स्लिप प्रेजेंट होने की वजह से इस एलोए जेल में इसको हम यूज करते हैं एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसको यूज करते हैं। जो एलोए जेल है इसको टॉपिकली यूज किया जाता है, इस एलोए
जेल की एंटी रिंकल प्रॉपर्टी भी होती है और ये जो डिफरेंट जो डेड टिश्यूज है इसको रिमूव करते हैं और न्यू और हेल्दी टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं ये जो एलोए जेल है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉस्मेटिक पर्पज के लिए डिफरेंट जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होते हैं इसमें ये एलोए जेल को यूज किया जाता है। स्किन एब्रेशन हो गया, इचिंग हो गया, इरिटेशन है तो इसको टॉपिकली इसको इस एलोए जेल को यूज किया जाता है। तो ये हो गया डिफरेंट यूजेस ऑफ एलोए। तो ये हो गया एलोए। एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स हमने आपको बताया कि एलोए कहाँ से ऑप्टेन होता है, एलोए होता क्या है। तो एलोए क्या होता है, ड्राइड जूस होता है। वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम द एलोए प्लांट। एलोए डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एलोए जैसे कि एलोए बारबाडेंसिस, एलोए फेरेक्स, एलोए पीरी, एलोए एलोए स्पीकाटा, ये डिफरेंट स्पीसीज एलोए के लीव से जो जूस ऑप्टेन होता है उसी जूस को ड्राइड किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, एलोए कहा जाता है। और ये जो एलोए होता है ये जो ड्राइड फॉर्म होता है ये तो या तो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन कलर का ये होता है। तो जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है जो क्या है, बारबालोइन, एलोइमोडीन, ये सब मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्रेजेंट होता है एलोए में, जिसकी वजह से इसको थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। और इसका हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताया और एलोए के अंदर सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट से उसके अंदर के सी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को मींस सी ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। एंड इसका हमने यूजेस बताया तो एलोए को यूज किया जाता है एज अ परगेटिव और एलोए जेल जो हम इस एलोए लीफ से ऑब्टेन करते हैं उसको डिफरेंट कॉस्मेटिक्स पर्पस के लिए, डिफरेंट स्किन कंडीशन के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया एलोए के बारे में। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी बुक सीके कोकाटे से और दूसरा हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक प्रीज एंड एवान से। थैंक यू।